ए गंगाराम, आंखें खोलना उल्लू के भट्ठे। ड्रम पे बिठा दिया, वरना बॉडी टूट जाती ना। वहां बूढ़े लोग हिंसा की बात कर रहे हैं, यहाँ तेरा खून बाहर आता तो हिंसा हो जाती ना। मेरा नाम खराब होगा तो चलेगा, पर गांव का नाम खराब नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा मार खाना कैंसिल, थैंक्स यार, चलता हूँ। इसके बाप के सिद्धांत की वजह से बच गया। अरे बाप रे, प्रोग्राम को हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए। इस दीवा के गले में एक लॉकेट है जिसमें दो गौड़ हैं जिनके दो कैरेक्टर हैं। राम जी आए तो बिना मारे ले जाऊंगा, हर किशन जी आए तो मारते हुए ले जाऊंगा। ये कैसा प्रोग्राम है? पता नहीं देवा आज कौन सा अवतार लेगा। साड़ियाँ हवा में लहरा रही, नहीं समझे, आज कृष्ण अवतार है। तेरा टाइम खराब है यार। तो क्या मुझे मारते हुए ले जाओगे? छे छे, इस गोदावरी की कसम, खून जमीन पर नहीं गिरने दूंगा, जस्ट धो डालूंगा। मतलब हार्ट हेड में पहुंचेगा, ब्रेन चेस्ट में, और लीवर है ना, अरे यहाँ वो पैर में शिफ्ट हो जाएगा। अरे बाप रे। हाँ, कैसे होगा? तू मारने में फर्स्ट है, मैं भागने में फर्स्ट हूँ, हट। अरे पागल, भागने से जगह बदलेगी, प्रोग्राम नहीं बदलेगा। मुझे होसा, किशन जी से बच के भागना इतना आसान है का? अरे वाह, सब अपने ही गांव की लड़कियां हैं। अरे मेरी तो लॉटरी लग गई, ये बहुत सही जगह है। ये सीता, ये गीता, ये चोरी छुपे हमें देख रहा था। अरे बस क्या बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, जाने से गिर गया। छोड़ना मत, मारना मत, मारना मत। अरे बाप रे, रामकृष्ण, मैं कितने दिनों से पकड़ रही थी, आज फंस गए। ये क्या चिपक रही है उससे जाके? हाँ चल जा। तू क्यों चल रही है? ये तेरा कोई लगता है क्या? हाँ, मेरा मंगेतर है और शादी होने वाली है मेरी उससे, और तू क्या एंजॉय कर रहा है यहाँ पे? चल यहाँ से, चल निकल। तुझसे बात नहीं। बिना मारे पसीना छूट गया, अरे यहाँ भी आ गया। ए, रुक रुक, कहाँ चले? हाँ एंट्री ठीक है पर पोस्ट ठीक नहीं है, लगता है कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गई है। चला हुकुम देने के लिए तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारी मिल है। मिल तुम्हारी है लेकिन ये मिल हमारे गांव में है, फाइट के बीच में रुकावट मत बनो, चलो हटो। ए, क्या कर रहे हो? खोलो भैया, भैया। सिंहमुख रौद्र रूपिण्याम अभय हस्तांगितम करुणामूर्ते सर्वव्यापितम लोकरक्षकाम पाप विमोचन दुरित निवारणम लक्ष्मी कटाक्षम सर्वाभीष्टम अनेकम देहि लक्ष्मी नारसिंह। कहां गया? मिस हो गया क्या? देवा को मारने का कम मौका मिलता है, अगर मिस हो गया तो डेंजर है भाई। कैसी रही? क्या हुआ, तुम लोग काम क्यों बंद कर रहे हो? इसका मार खाना कोई नई बात नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। ये देवा गंगाराम को मार रहा है या बचा रहा है? मारते हुए बचा रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? पल भर के लिए मौत को अपनी आंखों के सामने देखा। चल फिर से देखा था, आजा। मुझ पर आकर गिरता है कमबख्त। मार रही है, मार रहा है ना? और तो से तमीज से, तमीज से बात कर। अरे छोड़ दे। क्या रे, मुझे कितना भगाया रे, मुझे भागने को किसने कहा? फिर कभी हमारी मिल में आए तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ऐसा सोचना भी मत, खाल उधेड़ दूंगा। खाल क्या होती है? अरे चमड़ी। चमड़ी? यही। बिटिया को हाथ लगाता है तेरी तो। उनको कैचिंग सुपर है, धोनी से बात कराऊं क्या? देखो तुम्हारे पिताजी बहुत नेक इंसान है, उनकी इज्जत पर दाग मत लगने दो। नेक इंसान मेरे पिताजी है, मैं नहीं, बड़ा होकर मैं भी नेक बन जाऊंगा। तू चलना। तुझसे मैं बाद में निपटूंगा, चल रहे। शिवा, तुम जानते हो ना हम किन हालात में इस गांव में आए, चाहे कोई कितना भी उकसाए हमें हर हाल में चुप रहना है, इन झगड़ों में मत पड़ना, चलो। ए भागना मत। पागल कहीं का, इतना अच्छा भागने का मौका है, बोलता है भागना मत, मैं रुकूंगा क्या? पागल कौन है अब पता चलेगा बे। अरे अरे, बचाओ बचाओ बचाओ,
मारपीट करते रहते हो। तुम देवा को क्यों भगा रहे थे? अरे वही मुझे भगा रहा था। ए, हटो रे, जगह दो। अरे साले साहब, क्या लफड़ा है? उसने मुझे मारा इसलिए मैं भाग रहा था जीजा जी। दूंगा एक नालायक, सबके सामने झूठ बोलता है। भागने वाला ये आगे था और भगाने वाला तू पीछे था। ये बिना बात चाचा जी, सब पूछो। मास्टर जी, अपना पार्ट स्कूल में जाकर पढ़ाओ या नहीं। मेरी शिक्षण बता रही है कि कुछ गड़बड़ है। इस देवा ने जरूर मेरे साले को मारा है। पूछिए आप अपने बेटे से, अगर मेरे साले की कोई गलती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। पूछिए आप। ए देवा, इधर आ। जी बाबूजी। तूने इसे मारा? तौबा तौबा, मैं इसे क्यों मारूंगा बाबूजी? इसके बदन पे कोई सूजन खरोज कुछ भी नहीं है। ये बोलना। हाँ, ये तो एकदम फ्रेश लग रहा है अंकल। खून जमीन पर नहीं गिरेगा, जस्ट धो डालूंगा। अबे चालबाज कहीं का देवा, यही तेरा कॉन्सेप्ट है? खून बहाया भी ना मैनेज किया तो फिर सूजन कहाँ है बेवकूफ? आपको क्या पता मास्टर जी, वो भी इसने मैनेज किया होगा। ले, मैनेज किया दिखा। सुन लो धनीराम, सूजन ऐसी होती है, उसको मैनेज नहीं कर सकते। अगर अब भी डाउट है तो अपनी सिक्स सेंस से पूछ लो। उसकी जरूरत नहीं, पता चल गया। ए, ये झगड़ा है किस लिए? कुछ नहीं बाबूजी, अपने सीताराम की बेटी है ना, बहन आ गया हो। आज इसकी सगाई थी, इस गंगाराम ने इस लड़की की फोटो निकालकर अपनी फोटो लगाकर लड़के वालों को भेज दिया और ऐसी घिनौनी करतूत से इसकी सगाई टूट गई। इसने ऐसा क्यों किया यही पूछने गया था। क्या है सच? हाँ मालिक, गांव वाले सब मजाक उड़ाएंगे तो हमने छोटे मालिक को बोल दिया। धनीराम, तुम्हारे साले की गलती के लिए तुम ही जवाबदार हो ना। चौधरी साहब, मेरे शिक्षक। खामोश। सीताराम की लड़की को उनका मनपसंद रिश्ता तय करके सगाई से लेकर शादी तक सारा खर्चा तुम ही उठाओगे। चौधरी साहब, आपके भी तो दो बेटे हैं, वो भी कभी ना कभी गलती करेंगे। उस दिन सारे गांव के सामने जैसे मैं आज खड़ा हूँ वैसे आप खड़े रहेंगे। ए, चुप कर। अगर मेरा बेटा ऐसा करेगा तो मेरे मरने के बाद मुझे कंधा देने के लिए उसका कोई हक नहीं रहेगा। भद्राचलम सीतापुर जाने वाले सब आ जाओ। वहां कौन खड़ा है? गोदावरी में इसका कुछ खो गया क्या? अरे चाचा, क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, मेरे बेटे ने जो करतूत की है वो सोच कर रो रहा हूँ। क्या किया उन्होंने? खून पसीना बहाकर मैंने जो भी जायदाद बनाई वो दोनों बेटों में बांट दी और जायदाद लेने के बाद दोनों ने मुझे बाहर निकाल दिया। अगर आपके दोनों बेटों को सबक सिखाना है तो हमारे गांव में एक लड़का है, उससे मिल लीजिए। वो कौन है बेटा? चार शीशे, 10 टीकप्स और कलर टीवी, ये सब क्या है? उस देवा ने डैमेज किया है ये सब। हमारे घर के खर्चे से उसके डैमेज का खर्चा ज्यादा है। इस बार उसकी बॉल आई तो वही है। हेलो, बॉल अंदर आया तो बाहर देना नहीं जानते क्या? अरे देवा, फिर से उस लड़की का कांच फोड़ दिया। शाम को हम लोगों को फुल पार्टी देना। कैसे बैठे हैं देखो, बंदरों की टोली। ए, क्यों देर कर रही है? जरा भी मैनेज नहीं है तुम्हें, रोज यही काम है। और क्या करें, सुबह से ये लोग आ जाते हैं, तुम्हारे शीशे पे निशाना लगाते हैं। ये बोलना पागलों जैसी बातें मत करो, ये तुम जानबूझ के करते हो। हाँ बिल्कुल, जैसे तेरा भाई बिल गेट्स है और मैं उसका सारा माल हड़पना चाहता हूँ। क्या बोलती है? क्या बकवास कर रहा है तू? जल्दबाजी में कमिट मत करना, मेरा कैरेक्टर तुम नहीं जानते। हाथ मिलाओगे तो जान दे दूंगा और हाथ उठाओगे तो जान ले लूंगा। अच्छी तरह सोच लो। हाँ दीदी बोलो। हेलो प्रिया, संक्रांति की छुट्टी में मैं घर आना चाहती हूँ, भैया से पूछकर बताओगी? इतना पढ़ने के बाद भी तुम नहीं बदली, घर आने के लिए भैया से पूछोगी? हेलो भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, त्योहार की छुट्टियों में घर आना चाहता हूँ, सोचता हूँ एक बार बाबूजी से बात कर लूँ। अरे इसके लिए भी बाबूजी से परमिशन लोगे क्या? त्योहार के दिन सब एक साथ होंगे तो भैया और भी खुश हो जाएंगे। ये कोई गलत बात है, ये सोच के डरती क्यों हो? ऐसी बात नहीं, एग्जाम नजदीक है ना इसलिए। अरे तुम्हारे जैसा बुद्धू पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, फौरन निकल के आ जाओ, बाबूजी को मैं बोल दूंगा। ठीक है, बाय। ए त्रिशा, प्रोग्राम फिक्स है? इस बार तो अपने प्यार को ग्रीन सिग्नल दिला दो। ए आनंद, प्यार की बातें बाद में करना, अभी क्लास का टाइम हो रहा है, चल। ठीक है चलो। ले आई। सुबह से चौथा बंडल है, कोई हिसाब भी है आपके पास? हिसाब मुनीम जी देखेंगे, तुम अंदर जाओ। चौधरी साहब अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं कि नहीं? उसकी शादी की क्या चिंता, वो इस जिले का सबसे बड़ा डॉक्टर बनकर आएगा। शहर में पढ़ रहा है ना, संभालना होगा, प्यार व्यार में पड़ गया तो परेशानी होगी। कभी गलती से भी वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ अगर मुझे चिंता है तो इसे देखिए, ये कब क्या करेगा मुझे नहीं पता। बाबूजी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? मैं तो राम जैसा, लेकिन हरकतें कृष्ण जैसी। मतलब आपको मेरे कैरेक्टर पे इतना शक है बाबूजी? बाबूजी एक बार कहिए कि आंखें बंद करके मंगलसूत्र पहना दे, वो छोटी हो नाटी हो मोटी हो।
अगर ये है तो भी ठीक है, पहना दूंगा। बोलिए बाबूजी, बोलिए बाबूजी, एक बार बोल दीजिए इसे पहना दो। बोलिए बाबूजी, पहनाने के लिए बोलिए ना। बोलिए बाबूजी, बोलिए पहना दो इसे। पहना दे राजश्री। मंगलसूत्र लाने के लिए ना, मैं अभी लाई। मंगलसूत्र तैयार है बाबूजी, बोलिए ना, पहना दो देवा प्लीज। पहना, बिना बैंड बाजे के पहना दो क्या? जो बोलेंगे वो करूंगा, कहा था ना। कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। आप ही सोचिए बाबूजी, इस घर की एक इज्जत है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम है। चौधरी साहब का बड़ा बेटा कुंवारा है और छोटे बेटे ने शादी कर ली, ऐसा किसी ने कहा तो? ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, आपकी आन बान मान मर्यादा सब गोदावरी में बह जाएगी ना। नहीं बाबूजी, मेरी बदनामी मुझे मंजूर है, पर इस घर को कभी बदनाम नहीं होने दूंगा। दरअसल मैं आपके बेटे की बात कुछ समझ नहीं पाया। बरसों से उसकी परवरिश करने वाला जब मैं नहीं समझ पाया तो आप क्या समझेंगे? अरे रुकना, ये मेरे पीछे क्यों आ रही है? मंगलसूत्र पहना देना। मजाक कर रही है क्या? चल भाग। ये मजाक नहीं है, मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र है ना। मुझे टेंप्ट मत करना। बाबूजी ने इजाजत दे तो दी है। अरे मैंने कहा ना टचिंग नहीं, मेरा पसीना छूट रहा है। पंखे के नीचे खड़े हो जाओगे सब ठीक हो जाएगा बुद्धू। माँ, मुझसे बचकर कहाँ तक भागेगा बच्चू? इस बार संक्रांति धूमधाम से मनाएंगे ना? क्यों नहीं, जरूर मनाएंगे। त्योहार में अपने छोटे भाई को बुलाएंगे क्या? उसका नाम तक इस घर में कोई नहीं लेगा। ये है कबाड़ खरीदने का तरीका, कैच इट, ले जाओ। इसके साथ भी ये लेना। अबू ये पीने के लिए दिया था। बेवकूफ, ये पहले ही बताना था ना। हंसना बंद हुआ तो अपना काम कर, आज का ही दिन है, कल से दुकान बंद कर दूंगा। क्या साहब, कल से दुकान बंद कर रहे हो? वो बंद कर, क्यों नहीं बंद करूंगा, यहाँ मैं कबाड़ी हूँ लेकिन वहाँ तो मेरी रॉयल फैमिली है। परसों बाद अपनी फैमिली के साथ गाँव जा रहा हूँ। तो काका जी ने मान लिया? बंद कर, मार डालूंगा। बेकार के सवाल करता है, माँ से कहो तैयार हो जाए। हेलो, हेलो भाई, मैं सुबोधराज बोल रहा हूँ, संक्रांति को फैमिली के साथ गांव आ रहा हूँ भाई। भैया कौन है तेरा भैया? मेरा कोई भाई नहीं है। भाई मुझे नहीं पहचाना, प्यार किया और जब आपने इनकार किया तो भाग गया। मेरा भाई भाग नहीं गया, जिस दिन उसकी वजह से मेरे पिताजी चल बसे उसी दिन वो मर गया। मर गया?